अरे यार, मैं चैम्बर खोला था कि पैसा वैसा आएगा। अब तो लग रहा है कि चैम्बर का किराया कैसे देंगे। और वो हमारा जूनियर, जब से शादी हो गई तब से दिखाई नहीं दे रहा है। हैं, क्या बताएं उज्जवल यार, तुम भी। पर कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी अभी आ जाएगा। हे भगवान, जल्दी से कोई ग्राहक, कोई क्लाइंट लाओ यार। हैं, कैसे देंगे यहाँ किराया। ए छोटू, जाके गेट खोल के आओ। लग रहा है हमारी किस्मत खुलने वाली है। 5-10 मिनट रुको, थोड़ा लगना चाहिए यार कि आदमी बिजी है। ऐ तो ना लपक के गेट खोल दिया। हैं, फील आनी चाहिए कि बड़े वकील के आए हैं। जाओ खोल के आओ। बताइए भाभी जी, समस्या क्या है? समस्या एक हो तो बताई जाए, इतनी सारी तो समस्या है। ये हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर टहला घूमा करते, तो घर में आते हो तो अपनी मम्मी के साथ लगे रहते हैं। मेरे लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है? अरे खुद तो ऐसा लग रहा है बहुत टाइम है। हर वक्त तो फोन पे लगी रहती है, 10-10 घंटे फोन पे बात कर रही। कभी सिस्टर का फोन आ रहा है, कभी मम्मी का फोन आ रहा है। अरे मैं घर में रहता भी हूँ तब भी तो ये फोन पे लगी रहती है। अच्छा, तो तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करने आए हो? आप ही बताइए वकील साहब, दिन में 10 घंटे होते हैं। मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? अब वो भी घर में अकेली रहती हैं, बेचारी बोर हुआ करती हैं। माना तुम्हारी मम्मी घर का काम कर लेती हैं, सारा खाना बना लेती हैं, लेकिन खाने में भी तो मेहनत लगती है ना। सही कह रही भाभी जी, खाना बनाने से ज़्यादा तो खाना खाने में मेहनत लगती है। और भाई, अगर दिन में 10 घंटे बात कर रही तो क्या हो गया? हैं, घर में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए तुम्हारी मम्मी तो हैं। सही बात है भाभी जी? नहीं, अरे तुम्हें समझना चाहिए ना यार, 10 घंटे तो बात करती है अपनी मम्मी से। हैं, और उसके बाद 2-4 घंटे अपनी छोटी बहन से बात कर ली। अब बेचारी लड़की ये भी ना करे। हैं, तुम तो यार एकदम लड़की को दबाना चाहते हो। हैं, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं ऐसे समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इनके दिमाग में थोड़ा कचरा फंस गया है, आप टेंशन मत लीजिए। आप जाके ना वहाँ बैठिए, मैं इसको 2 मिनट में सारा ऐसा कानून समझाता हूँ ना, आज के बाद आपसे लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, आप जाके वहाँ बैठिए। ठीक है, अच्छे से समझाइएगा। ओके, आइए मैं समझाता हूँ। बताओ भैया, क्या परेशानी है तुमको? अरे वकील साहब, जब से शादी हुई तब से परेशान है। रिश्तेदार कहते हैं घर नहीं आते हो, दोस्त कहते हैं जोरू के गुलाम हो, मम्मी कहती है हमेशा अपनी बीवी के पल्लू से बंधे हुए। अब बताइए, ऐसे में परेशान नहीं होगा इंसान? देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, या तो आदमी शादीशुदा रह सकता है या तो आदमी सुखी रह सकता है। दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाओ नहीं आज के ज़माने में। और शादी का लड्डू तो ऐसा है, जिसने खाया वो पछताया, जिसने नहीं खाया वो पछताया। तो हमारी एक गोल्डन एडवाइस ले लो, घर से जब भी पैर निकालो भूल जाओगे तुम शादीशुदा। अच्छा, उससे क्या होगा वकील साहब? अरे इससे होगा क्या, घर की टेंशन को घर में रखो ना यार। 24 घंटे माथे पे लाद के थोड़ी ना घूमो। अच्छा, घर में आओगे तो खैयास होगी। और एक काम करो, जाके वो 5-10 रुपये का है रुई का बंडल खरीद के लाओ। अब इससे क्या होगा? अरे उससे ये होगा कि रुई की बंडल की बत्ती बनाओ, ऐसे कान में डाल लो। जब भी वाइफ चप 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 करे, आराम से कान में डालो, सुनना ही नहीं है। सुनोगे नहीं, जवाब नहीं दोगे, जवाब नहीं दोगे तो लड़ाई नहीं होगी। और क्या, अब तुम ये उम्मीद रखो कि वो तुमसे बहस ना करे या बिना मतलब की बात ना बोले। भैया ये तो बहुत मुश्किल है, समझे? और पता है आजकल का समय कितना ख़राब है, कहीं भाभी को हम जैसा वकील मिल गया सलाह देने वाला ना, तो तुम्हारा खानदान जेल में चला जाएगा। और क्या, ऐसे मत देखो, दहेज प्रथा का नाम सुना नहीं सुना है? जो चौड़े होकर दहेज लियो, गाड़ी लियो, सोना लियो, जो कैश लियो, सब बताया हमको भाभी ने। और क्या, हाई कोर्ट से पहले जमानत नहीं होगी। वो तो तुम हमारे साथ स्कूल में पढ़े हो, इसलिए यहाँ तुमको हम समझा रहे हैं। वरना इतनी सब सलाह देने के ना 5,000 रुपये लेते हैं, और हाई कोर्ट में बैठा वकील 11,000 रुपये लेता है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठा, खैर वो तो तुम बात छोड़ो सुप्रीम कोर्ट तक की। समझ में आया नहीं समझ में आया? प्यार मोहब्बत से रहो, लड़ाई तो होती रहती घर में। ठीक है, अब जाओ वहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। ठीक है, जाओ। देखिए भाभी जी, जितनी मैंने उससे बात की है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गलती किसकी है। गलती आपके पति की है। अरे आपकी क्या गलती है? हैं, अगर आपकी सास खाना बनाती है तो आप खाना खाती भी तो हैं। अब खाना खाने में भी तो मेहनत लगती है, और अपनी मम्मी से 10-10 घंटे बात करना गलत बात थोड़ी ना है। हैं, अब माना आप अपने घर की चुगली अपनी मम्मी से करती हैं, पर कोई बात नहीं, ये तो चलता है। देखिए मेरी तो बस आपको इतनी सलाह है कि घर परिवार की चीज़ों में जितनी लड़ाई कम हो उतना ही अच्छा है।
वही तो मैं भी कहती हूँ कि लड़ाई झगड़े में कुछ ही नहीं रखा है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। दोस्त कहते हैं जोरों का गुलाम है, माँ कहती है हमेशा अपनी बीवी के साथ लगा रहता है। आपको पता है कल इन्होंने मेरी फेवरेट साड़ी जला दी, अगर प्रेस करना नहीं आता है तो जाके सीखो ना। नहीं नहीं, ये तो एकदम सही बात कही आपने कि अगर पति को साड़ी प्रेस करना नहीं आता है तो उसको पहले सीखनी चाहिए। अब आपकी फेवरेट साड़ी जला दी तो आप तो लड़ाई करोगी। नहीं नहीं नहीं, कोई आपकी बात से सहमत हो ना हो, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब आपकी फेवरेट साड़ी जलेगी तो आप तो खून पिएंगी उनका। अब आप ही बताइए ऐसे कैसे लड़ाइयाँ कम होंगी। देखिए, बहुत पहले की बात है कि एक बहुत पहुँचे हुए बाबा थे, उन्होंने मुझे एक बहुत ही गुप्त जानकारी दी थी कि जब कभी पति पत्नी में इतनी लड़ाइयाँ होने लगे कि अब तलाक की नौबत आ जाए, तब एक विशेष प्रकार का व्रत होता है, वो पत्नी को करना चाहिए। अच्छा, बताइए क्या करना होगा। 20 से 25 दिन का मौन व्रत, उसमें ना आप पति से बात कीजिए ना उसकी माँ से बात कीजिए, कोई भी आपको कुछ भी बोले बस आप मुस्कुरा दीजिए। फिर देखिए ठीक 25 से 30 दिन बाद आपके घर में कितनी खुशहाली होती है, लड़ाई का तो नामो निशान गायब हो जाएगा। अच्छा, तो इससे लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। अरे आप एक बार मौन व्रत रख के तो देखिए, 20-25 दिन अगर आप कुछ नहीं बोलेंगी ना, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ हाँ, मैं ना 20 दिन इनसे बात करूंगी ना इनकी मम्मी से बात करूंगी, चुपचाप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। अब बीवी के चुप रहने के बहुत फायदे होते हैं, समझेंगे, बाबा बहुत पहुंचे हुए थे, उन्होंने बताया था, आप फॉलो करिए इस बात को, ठीक है। और आपके पति का खून तो एकदम मारे खुशी से 25 हो जाएगा, हीमोग्लोबिन 16 होता उनका 25 हो जाएगा, और क्या। ठीक है वकील साहब, मैं चलती हूँ। चलो, ये तुम्हें अलग से इन्विटेशन दें। भाभी जी मौन व्रत। हाँ हाँ, अभी से अभी से। अच्छा, सफल हो गए। और भैया क्या बताया जाए, शादी करके आदमी परेशान है, जिसकी शादी नहीं हुई वो शादी करने के लिए परेशान है। अब बताओ, 10-10 घंटे अपनी अम्मा से बात करती हैं, कपड़े अपने पति धुलवाती हैं, अब बेचारे ने साड़ी जला दी तो कहीं कर रही हैं। हे भगवान, राम बचाए। वकील साहब। जी, समस्या बताइए अपनी। वकील साहब बहुत दुविधा में फंस गए हैं वकील साहब। अरे यार, आप लोग टेंशन बहुत लेते हो, आप नाम बताओ, बाप का नाम बताओ, पता है 2 मिनट में ऐसा केस बनाएंगे 3 महीने तक बाहर ही नहीं आ पाएंगे। छोटू एक काम करो, ठंडा पानी लेके आओ। ठंडा पानी रहने दो, बहुत गर्मी हो रही है। 2 ठो कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, एक थम्सअप, एक फैंटा, जल्दी जाओ, बताइए नाम बताइए जल्दी से अपना। अरे हमारी बात तो सुनिए। अरे यार, आप लोग चिंता बहुत करते हैं, अपना नाम बताइए, बाप का नाम, एड्रेस, तुरंत 2 मिनट में आपकी सारी समस्या खत्म कर देंगे, जल्दी से नाम बोलिए अपना। राकेश गुप्ता। राकेश। हाँ, बाप का नाम। अरे पिताजी का नाम जान के क्या करेंगे, हमारी बात तो सुन लीजिए। अरे बाप का नाम बहुत जरूरी होता है यार, खुद की पहचान थोड़ी ना, बाप के नाम से लोग पहचाने जाते हैं, जल्दी से अपने बाप का नाम बोलो। सूरज गुप्ता। सूरज, ठीक। पता 68 88 गांधीनगर। बहुत बढ़िया, लखनऊ के रहने वाले हो तुम तो यार, ऐसी बात करते हो। हाँ चलो, जल्दी बताओ अब समस्या क्या है। 2 मिनट में ऐसा केस बनाऊंगा ना, सामने वाली पार्टी 3-4 महीने से पहले जेल से बाहर नहीं निकलेगी। तुम समस्या बताओ जल्दी से। हाँ, केसरबाग बस अड्डा जाना है हमको, हमको नहीं मिल रहा है, हमको एड्रेस चाहिए, हमको रास्ता बता दीजिए। केसरबाग बस अड्डा। बस अड्डा। तुमको हम टिकट कलेक्टर लग रहे हैं या कंडक्टर दिख रहे हैं, हैं? वकील के पास आके तुम पूछ रहे हो कैसरबाग बस अड्डा कहाँ है। भारी तो लिखा है, आपकी समस्या का समाधान यहाँ मिल जाएगा, आप अंदर आ जाइए। अच्छा, एक मिनट छोटू, सबसे पहला काम करो, बाहर जो लिख के रखा उसको फाड़ो और वहाँ पे लिखो लीगल समस्या हो तो एडवाइस मिलेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुँह उठा चले जाते हैं, चलो निकले से। अरे आए गए तो बता दीजिए ना कहाँ है। निकल लिया, जूता उतारे, चलो। कोई जमाना नहीं भलाई का, यहाँ वकालत करने बैठे हैं, इनके जैसे बेवकूफों को एड्रेस बताने बैठे हैं, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर जाके खड़े रहो, ऐसे आदमी देख के बाहर जूता मार के भगा दो, बेवकूफ नहीं क्या।